एक धार्मिक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान भोलेनाथ का पारा चढ़ गया। भोलेनाथ इस बात से नाराज थे कि मात्र 2 घंटे के शूट को उस टीम ने 5 घंटे में भी पूरा नहीं किया। इससे पहले कि जंगल में शिव तांडव शुरू होता, पार्वती जी और फिल्म के डायरेक्टर ने हालात को काबू में किया। देखिए इस नजारे को। ऐसे एक्टिंग करो तो नहीं करवाने। हम नहीं करने ऐसी एक्टिंग। अरे सुनो तो, एक्टिंग नहीं करने तो तैयार होकर आया खाए गिलाने। हमें थोड़ी पता कैसी एक्टिंग होता है। कैसी होती एक्टिंग? 5-5 घंटे लग रहे यार। कैसी होती एक्टिंग पर? हमें क्या पता, हमें 5 घंटे निकलने। हम तो 1-2 घंटा हो जाए। हमने जान देते सब पहले। अरे कर लो। अरे यार समझा यार निकल आने यार। अरे सुनो तो, ओ माय गॉड, कैमरा बंद करो यार, कैमरा बंद करो यार। सुनो ऐसा ज्यादा भाव ना भैया, सुनो मेरी बात छोड़ो, पहले जल्दी जल्दी पल्ली कर लो, अपन आराम से कर लो। समझ में नहीं आ रही यार। आओ जल्दी हो जाए, रुक तो जाता ना, करवा रहा है। बताया जाता है कि आगे की शूटिंग के लिए भोलेनाथ तैयार तो हो गए हैं, लेकिन पैंच अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल फिल्म का डायरेक्टर असली सांप को भोलेनाथ के गले में डालना चाहता है, लेकिन जब से भोलेनाथ ने इस फुफकारते हुए सांप को देखा है, वो अपने गले में इस सांप को पहनने के लिए राजी नहीं है। सुनील रामदेव, रायपुर।